Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul, I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन शुगर केन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट DSPMM जो कोर्स होता है, इसके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन दूंगा. और यहाँ पे टॉपिक का नाम है सिंचाई इरिगेशन, तो इसके बारे में बताया जाएगा. और ये जो वीडियो है ये नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन शुगर केन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट DSPMM और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के जो DSPMM कोर्सेज होते हैं और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि ANSI ST, ANSI SE, SBCC, CCQC, DQCES, DIPC. सो जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSPMM, DFAT, ANSI ST, ANSI SE, CCQC, SBCC और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब से कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे. वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है सिंचाई या इरीगेशन. तो इस फिगर में जो दिखाया गया है ये गेहूँ की सिंचाई को दिखाया गया है. अब सिंचाई के बारे में इंफॉर्मेशन है, सिंचाई मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर, जो सिंचाई होती है वो मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया है. और आमतौर पर इसका प्रयोग फसल उगाने के दौरान शुष्क क्षेत्रों या पर्याप्त वर्षा न होने की स्थिति में पौधों की जल आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जाता है. कृषि के क्षेत्र में इसका प्रयोग इसके अतिरिक्त निम्न कारणों से भी किया जाता है, फसल को पाले से बचाने, मिट्टी को सूख कर कठोर समीकरण बनाने से रोकने, धान के खेतों में खरपतवार की वृद्धि पर लगाम लगाने आदि. जो कृषि अपनी जल आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करती है उसे वर्षा आधारित कृषि कहते हैं. सिंचाई का अध्ययन अक्सर जल निकासी, जो पानी को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से किसी क्षेत्र की पृष्ठ सतह या उपपृष्ठ उपसतह से हटाने को कहते हैं, के साथ किया जाता है. सिंचाई की विधियाँ, भारत में सिंचाई की निम्नलिखित विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं. पहला है कटवा या तोड़ विधि. यह विधि निचली भूमि में धान के खेतों की सिंचाई में प्रयुक्त होती है, जबकि इसका प्रयोग कुछ और फसलों में भी किया जाता है. पानी को नाली द्वारा खेत में बिना किसी नियंत्रण के छोड़ा जाता है. यह पूरे खेत में बिना किसी दिशा निर्देश के फैल जाता है. जल के आर्थिक प्रयोग के लिए एक खेत का क्षेत्रफल 0.1 से 0.2 है. तोड़ विधि के लाभ, पहला इससे समय की बचत होती है, दूसरा अधिक पानी चाहने वाली फसल के लिए उपयुक्त है. नेक्स्ट है थाला विधि. यह नकवार या क्यारी विधि के समान होता है, पर क्यारी विधि में पूरी क्यारी जल से भरी जाती है, जबकि इस विधि में जल सिर्फ पेड़ों के चारों तरफ की थालों में डाला जाता है. सामान्यतः ये थाले आकार में गोल होते हैं, कभी कभी चौकोर भी हो सकते हैं. जब पेड़ छोटे होते हैं, थाले छोटे होते हैं और इनका आकार पेड़ों की उम्र के साथ बढ़ता है. ये थाले सिंचाई की नाली से जुड़े रहते हैं. नेक्स्ट है नकबार या क्यारी विधि. यह सतह की सिंचाई विधियों की सबसे आम विधि है. इस विधि में खेत छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है, जिनके चारों तरफ छोटी मेड़े बना दी जाती हैं. पानी मुख्य नाली से खेत की एक के बाद एक नाली में डाला जाता है. खेत की हर नाली क्यारियों को की दो पंक्तियों को पानी की पूर्ति करती है. यह विधि उन खेतों में प्रयोग की जाती है जो आकार में बड़े होते हैं और पूरे खेत का समतलीकरण एक समस्या होता है. इस स्थिति में खेत को कई पट्टियों में बांट दिया जाता है और इन पट्टियों को मेड़ द्वारा छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया लिया जाता है. इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें पानी पूरे खेत में एक समान तरीके से प्रभावित रूप में डाला जा सकता है. यह पास पास उगाई जाने वाली फसलों के लिए, जैसे मूंगफली, गेहूँ, छोटे खादान, पारा, घास आदि के लिए उपयुक्त विधि है. इसके अवगुण हैं, इसमें मजदूर अधिक लगते हैं. नेक्स्ट है द्रप्स सिंचाई. इस विधि में
यंत्र जिन्हें ए मीटर या एप्लीकेटर कहते हैं के द्वारा जल धीरे धीरे लगातार बूंद बूंद करके या छोटे फुहार के रूप में पौधों तक प्लास्टिक की पतली नलियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। यह विधि सिंचाई जल की अत्यंत कमी वाले स्थानों पर प्रयोग की जाती है। मुख्यतः यह नारियल, अंगूर, केला, बेर, नींबू प्रजाति, गन्ना, कपास, मक्का, टमाटर, बैंगन और प्लांटेशन फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बौछारी सिंचाई। इस विधि में स्रोत में पानी दबाव के साथ खेत तक ले जाया जाता है और स्वचालित छिड़काव यंत्र द्वारा पूरे खेत में बौछार द्वारा वर्षा की बूंदों की तरह छिड़का जाता है। इसे ओवरहेड सिंचाई भी कहते हैं। कई प्रकार छिड़काव के यंत्र उपलब्ध हैं। सेंटर पाइवोट सिस्टम सबसे बड़ा छिड़काव सिस्टम है जो एक मशीन द्वारा 100 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकता है। नेक्स्ट है जल के स्रोत। नदी या जल स्रोत का धरातलीय विधि है जिसके अंतर्गत सिंचाई किया जाता है। नहर, नहर जल परिवहन तथा स्थानांतरण का मानव निर्मित संरचना है। नहर शब्द से ऐसे जलमार्ग का बोध होता है जो प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित होता है। मुख्यतः इसका प्रयोग खेती के लिए जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया जाता है। सिंचाई में नहरों की भागीदारी 31.1% है। जलाशय सिंचाई का एक साधन है। तब यहाँ पे एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। पहला है स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बड़ा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बड़ा है। ऑप्शन दे रखे हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो सही अंतर है 4 गुना। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 4 गुना बड़ा है। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। ऑप्शन है 650, 700, 750, 850। सही उत्तर 850। तो भारत में वर्तमान समय में 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। ऑप्शन है 33%, 38%, 43%, 51%। सही उत्तर है 38%। तो भारत में बोए गए क्षेत्र के लगभग 38% भाग में सिंचाई होती है। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। ऑप्शन है नहरें, तालाब, कुएं, कुएं और नलकूप। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुएं और नलकूप। तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुएं और नलकूप है। कुएं और नलकूप जो है ये भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है। तो ऑप्शन दे रखे हैं ए 31.1%, बी 35.1%, सी 38.9%, डी 55.9%। तो सही उत्तर ऑप्शन ए 31.1%। तो देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में नहरों की भागीदारी 31.1% है। नेक्स्ट है देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है। ऑप्शन ए 30%, बी 39%, सी 43%, डी 56%। तो सही उत्तर है 56%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की जो भागीदारी है वो 56% है। नेक्स्ट है देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है। ऑप्शन दे रखे हैं 6%, 7%, 9%, 11%। सही उत्तर है 6%। तो देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी 6% है। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। सही उत्तर है दक्षिणी। भारत के दक्षिणी भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। तो सही उत्तर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है।
नेशनल नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। से उत्तर है उत्तर प्रदेश। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है पंजाब। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में पंजाब जो राज्य है वो अग्रणी है। नेक्स्ट है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है? कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान। सही उत्तर है गुजरात। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। सही उत्तर है पंजाब। तो पंजाब राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? ऑप्शन है ए तरंगित उच्चावच और कठोर सैल, बी अप्रवेश्य सैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतः सर्वरण, सी प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सदा नीरा है, डी ऐसी कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, ऐसी कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं। तो क्वेश्चन था, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो ऐसे कई सरिताएं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं, यह प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए एक कारण नहीं है। और जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, तरंगित उच्चावच और कठोर सैल अप्रवृत्त सैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतः स्वरण, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सदा नीरा है, ये सभी भारत में प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए तो कारण होते हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी की नहर कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है ए भाखड़ा नाल से, बी हरिके बांध से, सी पोंग बांध से, डी उकाई बांध से। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरिके बांध से। इंदिरा गांधी नहर जो है ये हरिके बांध से निकलती है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? ऑप्शन है ए रावी, बी घाघरा, सी यमुना, डी सतलुज। सतलज, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सतलज। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है, ऑप्शन है सरहंद नहर, ए बी यमुना नहर, सी इंदिरा गांधी नहर, डी पूर्वी कोसी नहर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से। सही उत्तर है गंडक से, सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी जाता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी जाता है? ऑप्शन है सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। तो सही उत्तर है गंडक, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान नहर का नया नाम है? राजस्थान नहर का नया नाम है, ऑप्शन है महात्मा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जवाहर नहर, सुभाष नहर। तो सही उत्तर है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर का जो नया नाम है वो इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित हैं? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित हैं? सिंचाई परियोजना राज्य, पहले पे है दमन गंगा सिंचाई परियोजना के सामने लिखा है गुजरात, दूसरे पे गिरना सिंचाई परियोजना के सामने है महाराष्ट्र, तीसरा पंबा सिंचाई परियोजना के सामने जो राज्य है वो है केरल। तो इसमें से बता रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है, कौन से सही सुमेलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कोट में, ए एक और दो, बी दो और तीन, सी एक और तीन, डी एक दो तीन। तो ये सभी एक दो तीन ये युग्म सुमेलित है, ये सही सम्मिलित है। जो दमन गंगा सिंचाई परियोजना है ये गुजरात में है, गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में है और पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता का 43.78% पूरा होता है? भारत की सिंचाई क्षमता का
47.78% पूरा होता है। ऑप्शन है वृद्ध परियोजना से लघु एवं वृद्ध परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से, मध्यम परियोजनाओं से। तो सही उत्तर है लघु एवं वृद्ध परियोजनाओं से। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78 47.78% जो भाग ये पूरा होता है ये लघु एवं वृद्ध परियोजनाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। ऑप्शन है कनेरा के मैदान, डक्कन के मैदान, कोरोमंडल मैदान, गंगा के मैदान। सही उत्तर है डक्कन के मैदान, डक्कन के पठार। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित सिंचाई खेती की जाती है। तो भारत का जो दक्कन के पठार है, जो कि भारत का जो दक्कन के पठार क्षेत्र है, यहाँ पे अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो अत्यधिक असिंचित क्षेत्र खेती जो है ये दक्कन के पठार क्षेत्र में की जाती है। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट BSI पुणे के DSP MM इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, NSI ST, NSI SE, DQC ES, SBCC, CCQC, DSP MM, DFAT और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इससे कर लें ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।